इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि विप्रो शेयर के लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है दोस्तों। और उसको जानने के लिए दोस्तों हम ब्रीफली फंडामेंटल्स को जानेंगे और विप्रो शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस के बाद दोस्तों विप्रो शेयर की हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, वो प्राइस चार्ट पर, और मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस हमारी अप्रोच होगी ताकि हम प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से समझकर संभावनाओं को तलाश सकें। तो दोस्तों चलिए पहले हम ब्रीफली फंडामेंटल्स को समझते हैं। विप्रो एक लार्ज कैप स्टॉक है जो आईटी सेक्टर स्पेस से आता है, और दोस्तों स्वॉट एनालिसिस का अगर इसका स्कोर देखें तो 81% क्राइटेरिया में ये पास होता हुआ नजर आता है, जो ये एनालिसिस मनी कंट्रोल के एप्लीकेशन पे की गई। पाइस ट्रॉफी स्कोर की बात करें तो वो 6 है, जो एवरेज फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। क्वालिटी चेक्स में दोस्तों अमंग द टॉप परफॉर्मर्स है, और ग्रोथ स्कोर में भी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो यस, करंट मार्केट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है दोस्तों, जो वैल्यू के वैल्यूएशन टर्म्स में थोड़ा कंसर्न हो सकता है। लेकिन जब कोई स्टॉक एक अप ट्रेंडिंग मोड में होता है तो ऑफकोर्स इन द प्रोसेस मार्केट उसे प्रीमियम भी देता है। इसके अलावा पी रेशियो की बात करें तो इसका पी रेशियो सेक्टर के पी रेशियो से कम है, और साथ में पीवी रेशियो भी सेक्टर के पीवी रेशियो से कम है। इसके अलावा पीयर एनालिसिस करें तो इसका पी रेशियो जो है वो टीसीएस और इंफोसिस से भी कम है दोस्तों। तो इस टर्म्स में, वैल्यूएशन टर्म्स में एक ये अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनता है। लो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग ऑफकोर्स इसके फेवर में जाता है, और म्यूचुअल फंड में होल्डिंग दोस्तों पिछले 3 महीने में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब विप्रो शेयर से रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों? तो दोस्तों डिमांड विल आउटपेस दी सप्लाई एज डिजिटल ग्रोस, जो ऋषभ प्रेम जी ने कहा है, और दैट इज ट्रू। द फ्यूचर ग्रोथ विल बी लेड बाय दी न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, जहां पर फोकस होगा डिजिटल पे, क्लाउड पर, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी काइंड ऑफ स्पेस में दोस्तों। तो इंडस्ट्री ग्रोथ विल बी लार्जली लेड बाय नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज, ये स्टेटमेंट विप्रो ने दिया है, विच मींस, विच इम्प्लाइज कि दे आर वर्किंग ऑन इट। साथ में दोस्तों उन्होंने अपने एम्प्लॉइज का 80% स्टाफ का पे हाइक अनाउंस किया है, जो एप्लीकेबल होगा 1 सितंबर से। तो दोस्तों मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों अब स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। विप्रो शेयर की टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत हम मंथली टाइम फ्रेम से करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा बेसिक एम क्या है? हमारा एम है कि विप्रो को समझना कि लॉन्ग टर्म निवेश के आधार पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। दोस्तों इस चार्ट को ध्यान से देखें तो ये ईयर 2000 में मार्च में इसमें गिरावट चालू हुई, जहां इसने एक हाई बनाया था, और उसके बाद में एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत हुई, और उसके बाद ये देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया, और ये राउंडिंग पैटर्न का यहाँ पर दोस्तों ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ नवंबर में दोस्तों, नवंबर 2020 में दोस्तों। इसका तात्पर्य क्या है? अराउंड 20 ईयर्स से भी अधिक लगे इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के फॉर्मेशन में दोस्तों। और अगर आप जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में जो ट्यूटोरियल वीडियोस आपके चैनल पे उपलब्ध है उन्हें आप देख रहे हैं, या जिन्होंने देखा है तो वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आने वाले समय में क्या ये 2 साल के अंदर में एक अच्छा निवेश का रिटर्न दे सकता है, इसकी संभावना बनती है दोस्तों। अब यहां पर देखिए रिसेंट टाइम में तो यहां पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ,
जिसका एपेक्स ये था इसका भी ब्रेकआउट हुआ। तो इसका तात्पर्य है कि डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट होता है और राउंडिंग पैटर्न का तो 20 ईयर्स से भी अधिक के पीरियड का ब्रेकआउट बहुत सिग्निफिकेंट है, जो इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में एक पॉसिबिलिटी है कि विप्रो शेयर में एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों, अगर विप्रो शेयर के टारगेट प्राइस की बात करें या प्राइस टारगेट की बात करें तो कहाँ तक संभावना बनती है, तो दोस्तों इस डेप्थ को अगर हम मेजर करें और इसे हम प्रोजेक्ट कर दें, अब प्रोजेक्ट करने के लिए हम फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें दोस्तों, सिंस हम लॉन्ग टर्म के निवेश की बात कर रहे हैं तो हमें लॉगरिथमिक स्केल को, लॉग स्केल को यूज करना होगा, एरिथमेटिकल स्केल या लीनियर स्केल से काम नहीं चलेगा। ये सारे ट्यूटोरियल आपके जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप उन्हें देखिए ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। वो सारे ट्यूटोरियल्स फ्री हैं आपके चैनल में। तो दोस्तों, अगर हम इसे प्रोजेक्ट करें तो देखिए दोस्तों, मैंने प्रोजेक्ट करके रखा है, इसका पहला टारगेट आता है 1240 के आसपास। तो दोस्तों, 1240 का जो टारगेट है वो अपने आप में करीब 124-125% का करंट प्राइस से एक रिटर्न दिखाता है, एक यील्ड दिखाता है दोस्तों, क्योंकि करंटली ये ट्रेड हो रहा है 552 पे। क्योंकि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज मार्केट ये लाइव है दोस्तों, और लाइव मार्केट के दौरान ये एनालिसिस की जा रही है दोस्तों। और अगर हम सेकेंड टारगेट की बात करें तो दोस्तों, वो आता है 2900 के ऊपर, जो 400% से भी ज़्यादा एक क्षमता रखता है निवेश करने की, 4x। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे फॉर्मेशन होते हैं जहां हम ट्रेंड को अगर राइड करें और रिस्क को केवल मैनेज करते चले जाएं ताकि आने वाले बिगर मूव को इनकैश कर सके और प्रॉफिट को भी प्रिजर्व करने की संभावनाओं को तलाश सकें। चलिए दोस्तों, हम विप्रो शेयर के वीकली टाइम फ्रेम में चले। उसके पहले आपको एक जानकारी सूचना देना चाहूँगा कि आपके चैनल में हर वीक में 5 लाइव स्ट्रीमिंग आती है, 5 लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस होते हैं, जिसमें इस चैनल के कोई भी मेंबर इंस्टेंट लाइव एनालिसिस के बारे में कमेंट्स लिख सकते हैं और इमीडिएटली उनकी एनालिसिस की जाती है। तो किस बात का इंतजार है दोस्तों, चैनल का मेंबर बनिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जहां आपको अलग अलग प्रकार की मेंबरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, वीकली चार्ट में चलते हैं। वीकली चार्ट को जब हम देखते हैं तो बहुत क्लैरिटी से समझ में आता है कि रिसेंट टाइम में जो डाउन ट्रेंडिंग मूव था, यहाँ पर ये वर्टिकल फॉल हुआ और अगर इस ट्रेंड लाइन को खींचेंगे तो आप देखेंगे बार पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। उसके पहले दोस्तों, प्राइस ने पिछले सपोर्ट के पास में यहाँ सपोर्ट लिया, टिपिकल सुशी रोल पैटर्न्स का फॉर्मेशन हुआ है और इसके बाद में हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया। अब दोस्तों, यहाँ पर देखें कि प्राइस वीकली टाइम फ्रेम में एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट कर रही है, और वो क्या है दोस्तों, कि जब भी करेक्शन होता है और रिट्रेसमेंट होता है तो प्राइस ईएमए 21 पर सपोर्ट लेती है और फिर एक नया हाई बनाती है। अब दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, जहां लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी के ख्याल से हम इस ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेंड को राइड करने के लिए और रिस्क को मैनेज करने के लिए, ताकि हम प्रॉफिट को भी प्रिजर्व कर सकें और आने वाले बड़े प्रॉफिट की दिशा में एक स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर सकें। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, रिसेंट टाइम में अगर देखें तो मैं इसे दिखाता हूँ, यहाँ पर दोस्तों प्राइस ने कंसोलिडेट किया, सिर्फ एक वीक का करेक्शन हुआ और फिर प्राइस ने नया हाई बनाया। सिमिलर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, करंट वीक की कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ऑल्दो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है। मैं इसे एनलार्ज करता हूँ ताकि आप प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से समझ सकें। गैप डाउन ओपनिंग होती है लेकिन इमीडिएटली एंटायर वीक में बाइंग आती हुई नजर आती है, जो बहुत सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर हम देखें, करंट वीक की कैंडल तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर में, ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को हम बेहतर तरीके से समझ सकें।
तो दोस्तों डेली चार्ट में चलने के पहले एक बार मंथली चार्ट को फिर से रिव्यू करते हैं, और वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि मैं वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में बताना स्किप कर गया था, भूल गया था। अब यहाँ पर आप देखें दोस्तों कि जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था तो वॉल्यूम एक बहुत कम हो गया था, डिप्लीशन इफेक्ट हम वॉल्यूम में देख सकते थे। इसका तात्पर्य है कि ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन एंड करेक्शन बुल्स कंट्रोल में थे, और आप देखिए जैसे ही ये राउंडिंग पैटर्न का और डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, सी दी सर्ज इन दी वॉल्यूम, और एवरेज वॉल्यूम से मच हायर वॉल्यूम पर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। चलिए अब डेली चार्ट पर चलते हैं। अब दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले विप्रो शेयर की एक ट्रेंड एनालिसिस ब्रीफली करते हैं। हम क्या देख सकते हैं कि एसएमए 144, EMA 55 और EMA 21 सबके स्लोप इंक्लाइंड अप है, जो इंडिकेट करता है कि एक अच्छा खासा ट्रेंड है, और ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी बड़ी अच्छी है क्योंकि ये सारे इंक्लाइंड अप है। इंटरमीडिएट ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड सारे बुलिश नजर आ रहे हैं, क्योंकि EMA 21 EMA 55 के ऊपर है और EMA 55 SMA 144 के ऊपर है। अब आप देखिए यहाँ पर दोस्तों रिसेंट टाइम में जो करेक्शन हुआ, एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि जब ये करेक्शन हुआ दोस्तों, तो इसके पहले यहाँ देखिए मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग 28 मई 2021 से लेकर आप देखें 2 जून 2021 के यहाँ पर स्मॉल बॉडी कैंडिंग का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन एक लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया है। तो अगर ये देखें मैंने जो हॉरिजेंटल लाइन खींची है तो 530 के आसपास इसने रीसेंट टाइम में एक अच्छा बेस बनाया है दोस्तों, और जब ये रिट्रेसमेंट हुआ तो यहाँ देखिए उसी लेवल पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ 21 जून 2021 को। और आज की कैंडल ये लाइव मार्केट में देखना है कहाँ पे क्लोज होती है, लेकिन एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन करती हुई नजर आ रही है। और अगर दोस्तों 18 जून के कैंडल के मीडियन के ऊपर में इसकी क्लोजिंग होती है तो ये एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन होगा, वो भी सिग्निफिकेंट सपोर्ट के ऊपर में, क्योंकि प्राइस ने EMA 21 पे तो सपोर्ट लिया है, साथ में ये हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें प्राइस एक्शन के अनुसार एक सपोर्ट है। इसके बाद दोस्तों अगर इसमें डीपर करेक्शन भी हुआ तो आप इस लेवल पे देखिए मल्टीपल प्राइस के रिजेक्शन थे, मल्टीपल यहां पर सपोर्ट था, 497 पे एक अच्छा बेस बन रहा है। तो लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर 490-95 पर एक अपने को इनिशियल स्टॉप लॉस मान सकते हैं अगर वो फ्रेश एंट्री कर रहे हैं तो, ताकि रिस्क मैनेजमेंट को करने के लिए राइट पोजीशन साइजिंग कर सके और इस लंबे इंपल्स को, जो एक इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन होने वाला है, इसको इनकैश करने की चेष्टा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आज की कैंडल को क्लोज होने तक हमें इंतजार करना चाहिए, और ये वैल्यू जोन में हमारी एंट्री हो रही है क्योंकि प्राइस रिट्रेसमेंट होके एक की सपोर्ट एरिया से मीन रिवर्जन प्रोसेस को कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है। तो आज की कैंडल के हाई के ऊपर में एक बाय स्टॉप ऑर्डर डाला जा सकता है, वो ट्रिगर हो गया तो हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, और उसके बाद ट्रेंड को राइड करना और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि जैसा मंथली चार्ट में हमने देखा, आने वाले समय में पहला टारगेट अपने आप में 124-125% का रिटर्न देने की क्षमता दिखा रहा है दोस्तों, और सेकंड टारगेट तो दोस्तों मेनी फोल्ड्स है, 400% दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, और दोस्तों अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप अपडेटेड रहें। दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि दूसरे लोगों को भी इनका लाभ हो सके इन एनालिसिस का। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। हेलो फ्रेंड्स।